अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अबीब और आप देख रहे हैं नेबलेट LLC। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम अपनी गिग को एक्टिव कर सकते हैं। जो हम गिग क्रिएट करते हैं वो एक्टिव नहीं होती, डिफ़ॉल्ट में ही रहती है, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती और हम इंग्लिश टेस्ट नहीं दे सकते जो लास्ट में फाइवर पूछता है हमसे। तो उसे जान छुड़ाने के लिए आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रिक बहुत ही 100% काम कर रही है। तो चलो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले ना हम अपनी गिग में जाते हैं। हमने गिग ओपन करके यहाँ पर ना एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एडिट के पे क्लिक करने के बाद ना सबसे पहले जो भी है ना, आपने ये टाइटल है ना, ये आपने चेंज करना है। सबसे पहले आपने ना गिग क्रिएट कर लेनी है सारी। फिर करने के बाद ना सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ना हमने अपनी गिग ओपन करनी है। करने के बाद ना ये जो टाइटल है ना, इसे हटा के ना कोई अपने पास से लिख लेना है, कोई भी हम लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया अपने पास से कोई भी। तो ये करने के बाद हम ना यहाँ पर सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने ना सबसे पहले तो टाइटल चेंज करना, बाकी चीज़ें रहने देनी। बाद में हम जब हमारी गिग एक्टिव हो जाएगी तो हम टाइटल प्रोफेशनल कर सकते हैं। तो ये करने के बाद यहाँ पर हम इसे भी ना सेव एज, यहाँ पर भी सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सॉरी ये मैंने किया नहीं हुआ। बेसिक बेसिक में हम लिखेंगे बेसिक ही, बेसिक लिख देंगे। तो और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कोई भी अपने पास से डाल देते हैं। ये डाल देते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद डिलीवरी टाइम हम 1 डे डालते हैं और सेलेक्ट यहाँ पर 2 डे डाल देते हैं और सेलेक्ट यहाँ पर 3 डे डाल दे, यहाँ पर भी 2 डाल देते हैं। और प्राइस हम $5 कर लेते हैं। और करने के बाद सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ना डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। कोई भी हम ना रैंडम सा अपने पास से डाल देते हैं। बाद में हम जब हमारी गिग एक्टिव हो जाएगी तो हम बाद में प्रोफेशनल अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल वगैरह डाल सकते हैं। तो कुछ भी हम ना अपने पास से डाल देते हैं। ये हमने अपने पास से डाल दिया और हम सेव कर देंगे इसे। सेव है, ये नहीं हुआ। मिनिमम ना ये देखो उन्होंने बता दिया, मैंने 38 लिखे हैं करेक्टर, उन्होंने कहा मिनिमम 120 होने चाहिए। ये देखो तो हम और लिख लेते हैं अपने पास से ही, हम और भी लिख लेते हैं। अब देखते हैं कितने हुए हैं, अभी भी 91 हुए हैं, तो हम और लिख लेते हैं थोड़े से। अब 133 हो गए हैं, तो ठीक है। करने के बाद हम सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नो क्वेश्चन करूँगा। ये नो क्वेश्चन कर दिया। करने के बाद ऐड क्वेश्चन कर देंगे ऐड, और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे करने के बाद यहाँ पर हम अपनी पिक्चर अगर अपलोड करना चाहें तो मैं कोई सी भी अपलोड कर देता हूँ रैंडम सा। जैसे ये प्रोडक्ट, ये मैं पिक्चर कर देता हूँ, ये कर दी मैंने। करने के बाद यहाँ पर सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम अपनी जो है गिग वो ना पब्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये देखो पब्लिक, यहाँ पर हमने ना पब्लिक कर दे अपनी गिग। तो हमारी गिग ना पब्लिक हो गई है। और यहाँ पर ना हम डन कर देंगे। और ये देखो
यहाँ पर हमारे गिग ना एक्टिव में आ गई। अगर अगर दो डिफ़ॉल्ट में थी ना, ये देख सकते हैं, और अब एक डिफ़ॉल्ट में आ गई है। ये देखो यहाँ पर हमारी एक एक्टिव गिग में एक गिग एक्टिव हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, हमारी गिग एक्टिव हो गई है। तो सिंपल सा आपने, अब आपने अगर इसका टाइटल चेंज करना है तो यहाँ पर जाके एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पर आएँ और एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे करने के बाद आप उसका टाइटल भी प्रोफेशनल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी प्रोफेशनल डाल सकते हैं, पिक्चर भी प्रोफेशनल डाल सकते हैं। ये सिंपल काम है और इस ये ट्रिक 100% काम कर रही है। मैंने जितनी भी अपनी दूसरे अकाउंट में एक्टिव गिग की है ना, इसी ट्रिक के ज़रिए की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।